वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेट नाइन्थ। और आज हम क्या करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हम उसकी नीड क्यों होती है, क्लियर। और आज हम स्टडी करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यानी कि जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल सर्कमस्टांसिस थी, सिचुएशंस थी। तो उस टाइम हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। डाइवर्सिटी इन इंडिया मीन्स हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, मीन्स लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग है, रिलीजन अलग है और स्टेट्स कास्ट अलग अलग हैं, जिसके कारण हमें इन सबको साथ लेकर चलना था। जैसा कि अगर हम देखें अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था वहाँ पर क्या था, गोरे और काले लोग, यानी दोनों को उन्होंने साथ लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी दोनों की प्रॉब्लम्स को समझा। तो इस प्रकार हमने भी, हमारी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और डाइवर्सिटी भी है, तो हमने ये भी देखना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जो संविधान हम बनाएंगे, तो उसमें सभी लोगों की एस्पिरेशन शामिल हो और किसी को ऐसा ना लगे कि इसमें हमारा ओपिनियन नहीं लिया गया और जहां हम सुरक्षित नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस टाइम इंडिया का रिलीजियस पार्टीशन हुआ था, मींस हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल टेंशन पैदा हो चुकी थी, जिस कारण इंडिया और पाकिस्तान बना था। तो इंडिया के लोग जो लीडर्स थे इस बात से अवेयर थे और वो ये चाहते थे कि आगे कंट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे, तो इसलिए वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिसमें सब लोग सेफ रहें और उनमें एक ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब ब्रिटिश लोग ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी थी तब उन्होंने डिक्लेयर किया जो प्रिंसली स्टेट, अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होती है, मीन्स देसी रियासतें, जहाँ पर जो इंडिया के राजा महाराजा थे, राजवाड़े थे, वो रूल करते थे, उनको फ्री किया था कि आप किसी कंट्री का भी पार्ट हो सकते, चाहे आप पाकिस्तान में मर्ज कर सकते हो या फिर इंडिया का पार्ट हो सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इंडिया के लीडर्स नहीं चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया से बाहर जाएं, यानी इंडिया का हिस्सा ना बने, तो इसलिए उनको इंटेग्रेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर हम देखें कि जैसे हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो मान लो जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं होते या अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते, तो उस टाइम तो यानी कुछ पार्ट हमारा इंडिया का उस टाइम कैसा उसका मैप होता, तो वो पार्ट बीच में से कट जाता, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम थी, हम चाहते थे प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया का पार्ट ही बनी रहे। तो इसके लिए इंडिया के लीडर्स ने शुरू से ही, यानी जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उससे पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारा देश का संविधान कैसा होना चाहिए। In 1928, Motilal Nehru and 8 Congress leaders drafted the Constitution for India. Motilal Nehru और कुछ Congress के leaders ने 1928 में ही इंडिया का Constitution draft करना शुरू कर दिया था। जब उन्हें ये responsibility मिली कि इंडिया का Constitution बनाना है, तो उन्होंने तभी से ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर इंडिपेंडेंस मिलेगी तब हमारे पास क्या responsibility होगी, तो हम कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया काम करेगा। इन 1931 द रेसोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो 1931 में जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें हमने पूरी तरह सोच लिया था कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसा लगा था, कि हमने अपने लोगों को कौन से राइट्स देने हैं। तो उसी टाइम ये भी डिक्लेयर हो चुका था
कि सारी कंट्री में हम इक्वलिटी होगी, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी सेक्शन है जो माइनॉरिटी सेक्शन के साथ गलत बिहेव करेगा, किसी प्रकार का अन्याय करेगा। और हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि इंडिया के सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट दिया जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस ऑफ 1937 मेड इंडियन लीडर्स फैमिलियर विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो 1937 के आसपास ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इलेक्शंस करवाए थे, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिया के लीडर्स भी लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगे, यानी उनको कुछ अपने अपने एरियाज में इलेक्शंस करवाएंगे और अपने लिए वहाँ पर लॉ बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, इंडिया के लीडर्स को अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी मिली कि हमने अपने देश में कैसे लॉ बनाने हैं, कैसे हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि पहले से इसके बारे में तैयार हो चुके थे कि हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे बनाएंगे, कैसे अपने देश को चलाएंगे। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इंडियन लीडर्स ने अलग अलग जो रेवोल्यूशंस हुए अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ की जो एक्टिविटी चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, वहाँ से भी इंस्पिरेशन ली। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से भी इंस्पायर हुए कि हमें अपने लोगों को क्या देना, क्या उनसे अधिकार देने हैं, जैसे इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। दीज आइडियाज़ वी गेट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से हमें ये आइडिया लिए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया, रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ किसके बारे में था, कि समाज में सभी लोगों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो जो सोशलिस्ट ये वाला आइडिया हमने कहाँ से लिया, रशिया से, बिल ऑफ राइट्स इन द USA। तो ये जो राइट्स हम लोग सिटीजन राइट्स, यानी कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी एक पार्लियामेंट होगी जिसके अकॉर्डिंग सही देश की या काम जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमने जो आइडियाज़ जो यहाँ से हमने लिए हैं एज इट इज़ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी कर लिए है, हमने इनसे सीखा है, फिर हमने इसके बारे में हमने सर्वे किया, इस पर स्टडी किया कि ये आइडियाज़ हैं हमारे इंडिया में सही होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में 2 साल 11 महीने लगभग 3 साल तक डिस्कशन की, डिबेट हुई लीडर्स के बीच में, पूरी कंट्री में सर्वे किया गया, फिर हमने अलग अलग आइडियाज़ को अडोप्ट किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आवर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।